We are definitely going to try this 75 hard challenge. सो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े ही मज़े में होंगे, एकदम चैन और सुकून से जन्माष्टमी आपने सेलिब्रेट करी, चैन और सुकून से आपने अच्छे अच्छे पकवान खाए, उम्मीद करता हूँ सब बड़े ही मज़े में होंगे। और अभी हम आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ चुके होंगे कि वी हैव फेल्ड 75 हार्ड चैलेंज एंड आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर दैट, क्योंकि मैंने शुरू किया इसलिए मैं फेल हुआ। ज़्यादातर तो लोग शुरू भी नहीं करते इसलिए वो फेल नहीं होते। अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, इसका मतलब सिंपल है कि आपने कोशिश की और आप फेल हुए। और हम भी 75 हार्ड चैलेंज हमने एक्चुअली किया नहीं था, हमने किया था 5 हार्ड। 75 तो बहुत दूर की बात है, 5 दिन तक हम क्या ये चैलेंज कंटिन्यू कर सकते, हमने वो कोशिश करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से वो चैलेंज कम्प्लीट कर लिया। अभी जा रहा हूँ मैं जॉब पे, मैंने सोचा उससे पहले गाड़ी पार्किंग में खड़ी है वीडियो बना लूँ। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि मैं 75 हार्ड कंप्लीट नहीं कर पाया, वो है बहुत ही सिंपल सा। जन्माष्टमी आ गई थी, जिम बंद हो गए थे, वर्कआउट के लिए सिर्फ मैं अपने फार्म हाउस पे जा सकता था, जहाँ पे मैं दिन का 45 मिनट का एक वर्कआउट करता था, एक जिम में करता था। लेकिन अब फार्म हाउस में या फिर पीटी करके मेरा कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज माई बॉडी मास इंडेक्स इज़ 21 to 22। मैं बिल्कुल फिट शेप में हूँ, और ज़्यादा रनिंग और पीटी करूँगा तो मैं बहुत कमज़ोर और पतला हो जाऊंगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम फोकसिंग ऑन वेट लिफ्टिंग एंड बल्किंग। अगर मैं 45 मिनट्स के दो वर्कआउट आउटडोर ही करता, पीटी ही करता, कार्डियो ही करता, साइकिलिंग ही करता, स्प्रिंट रनिंग ही करता, आई विल लूज़ माय अचीवमेंट। मैंने जो भी बॉडी बनाई है वो मैं खो बैठता इसीलिए। और दिन का प्रोटीन का इंटेक भी कम्प्लीट नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर आप दिन में दो बार इतना हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हें अच्छा खाना, अच्छा प्रोटीन, अच्छी डाइट चाहिए रहती है। एक टाइम जिम जाते हैं फिर भी बड़ी मुश्किल से हम डाइट अपनी फॉलो कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए उतना दे पाते हैं। दो बार का तो कैसे ही करें। स्पेसिफिकली गुजरात में सातम आठम का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर दो तीन दिन की, मतलब ऐसे ही समझ लो नेशनल हॉलीडे थे दो तीन दिन की। तो मैंने इन तीन दिनों में सिर्फ आराम करा, सोया, आराम करा, सोया, 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 सोता रहा। और जो मैंने 5 हार्ड चैलेंज करा था उसके रिजल्ट तो तुम देखो। ठीक है, ये 5 हार्ड के रिजल्ट है। 5 दिन लगातार वर्कआउट करने के बाद बॉडी के कट्स आने शुरू हो चुके थे, लेकिन वेट भी लूज हुआ थोड़ा, लाइक इट्स 2 kgs। सो समझ सकते हैं कि मसल्स लूज हो रहे थे हमारे, फैट लूज नहीं होता। अगर बहुत जल्दी आपका वजन कम हो रहा है तो समझो आपका फैट जा रहा है, वो आपके मसल्स जा रहे हैं। तो मेरे मसल्स लूज हो रहे थे उस टाइम, लेकिन कट्स बहुत ही खतरनाक वाली आ रही थी। ठीक है, और थक भी जाता था। 75 हार्ड भले मैंने क्विट कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने क्विट नहीं करी, जैसे कि इनके 4 लीटर पानी पीना। मेरी स्किन देखो डूड, एकदम इवन टोन हो चुकी है, ना स्पॉट है, थोड़ी सी ग्लोइंग भी हो चुकी है, बिकॉज आई हैव बीन ड्रिंकिंग 4 लीटर्स वाटर अ डे फॉर पास्ट 10 days आई गेस। एंड बुक रीड करना, दैट इज़ द लाइक माइलस्टोन अचीवमेंट होती है। दिन के 10 pages अगर तुम नॉन फिक्शन कोई भी बुक किताब पढ़ते हो, 5 दिन के 50 pages हो गए, मतलब 1.5 chapters तुमने किसी एक बुक का ख़त्म कर लिया। आई हैव कम्प्लीटेड दैट बुक 5 AM Club एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड द रिजल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा नॉलेज मुझे मिला उस बुक से। 75 हार्ड सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वर्कआउट करने की वजह से ही मैं फेल हुआ हूँ। अदरवाइज आई बीन ड्रिंकिंग 4 liters ऑफ वाटर, I've been reading 10 pages book a day। ये सब कुछ तो कंटिन्यू चल ही रहा है, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी 75 हार्ड एक बार बिल्कुल कोशिश करो। ये एक डिसिप्लिन प्रोग्राम है, समझो। सो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी ग्रोथ करें, आप भी मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनिए। हम कोशिश करें कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी फिजिक अचीव करेंगे, हम बहुत अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। तो सब्र के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जर्नी में आप मेरे साथ रहे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी अभी सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते उसके लिए शुक्र है।
ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, खुदा हाफिज़, चीयर्स।